हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। आज हम बात करेंगे अपीयरेंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज जो गिवन है हमारे ऑर्डर 9 में। वेल, जैसे ही समन्स इश्यू हो जाते हैं, उस समन में मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो मेंशन की जाती है कि इस दिन आपको कोर्ट में आना है। तो वो जो डेट है जो फिक्स की जाती है समन में, उस डेट पर प्लेंटिव और डिफेंडेंट दोनों को आना होता है, वेदर इन पर्सन और थ्रू देयर प्लीडर। सो दिस इज गिवन अंडर रूल 1। अब रूल 2 ये कहता है कि अगर ये समन्स जो है वो सर्व ही नहीं होंगे तो उस केस में क्या होगा कि सूट जो है वो डिसमिस कर सकते हैं। और अगर ये समन सर्व नहीं हुए पर फिर भी डिफेंडेंट को कहीं से इंटिमेशन हो जाता है और वो अपीयर करता है कोर्ट में, तो उस केस में जो सूट है वो डिसमिस नहीं होगा। जो पार्टीज हैं, दैट मींस द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, उन दोनों की ही ड्यूटी बनती है कि जो भी नेक्स्ट डेट फिक्स्ड है हेयरिंग के लिए वो उस पे आए। अगर वो ऐसे नहीं आते और अपनी राइट्स के लिए विजिलेंट नहीं होते तो कोर्ट अननेसेसरी उनके केस को एक्सटेंड या आगे नहीं बढ़ाएगी और अपना बर्डन नहीं एक्सपैंड करेगी। तो इसलिए पार्टीज को अपनी राइट्स को लेके बहुत विजिलेंट होना जरूरी है और साथ ही में उनकी ड्यूटी है कि वो आए जो भी उनकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उस पे, ताकि केस जो है वो स्पीडिली डिसाइड किया जा सके और अननेसेसरी डिले अवॉइड की जा सके। और अगर पार्टीज ऐसा नहीं करती तो उस केस में उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज द मोटो बिहाइंड ऑर्डर 9। वो दोनों ही पार्टीज को बाउंड करता है कि वो अपनी डेट्स पे आए और अपने पक्ष को आगे रखें, ताकि केस जो है वो आगे कंटिन्यू किया जा सके और जल्दी से जल्दी उसका डिस्पोजल हो सके। इसलिए अगर दोनों ही पार्टीज नहीं आती तो उस केस में भी सूट को डिसमिस कर सकते हैं। वेल, ये जो रूल 2 है और रूल 3 है, इसमें डिसमिसल के बाद प्लेंटिफ के पास ये राइट है कि वो चाहे तो फ्रेश सूट फाइल करा सकता है या फिर अपने उस सूट को रीस्टोर करवा सकता है बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन। वेल, हमारे जो प्रोसीजरल लॉज हैं वो टेलर मेड है। उसका मेन एम ये है टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस, नॉट टू पेनलाइज द पार्टीज और इम्पोज पनिशमेंट ऑन देम। अगर कोई सर्कमस्टांसेस हो जाती है विच इज बियॉन्ड द पार्टीज कंट्रोल, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाते और वो कोर्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं वो रीजन उनके नॉन अपीयरेंस का, तो उस केस में जो कोर्ट है वो भी अपने डिसीजन को वापस लेके अब उनका सूट रीस्टोर कर सकती है और उनको अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि वो अपने केस को फाइट करें और अपनी राइट्स को क्लेम कर सके। सो दैट इज द रीजन फॉर गिविंग दिस ऑप्शन टू द प्लेंटिफ। मूविंग अहेड, जो समन्स होते हैं अगर वो सर्व नहीं किए जा सकते या फिर वो रिटर्न हो जाते हैं, तो उस केस में 7 डेज के अंदर अंदर न्यू समन्स इश्यू करवाना होता है प्लेंटिफ को कोर्ट से। अगर वो ऐसा नहीं करता तो तब भी रूल 5 के अंदर कोर्ट के पास पावर है कि वो सूट को डिसमिस कर सकता है। अगर प्लेंटिफ कोर्ट को जस्टिफाई कर देता है रीजंस फॉर डिले, तो कोर्ट उसको फर्दर टाइम ग्रांट कर सकती है टू मेक द कंप्लायंस एंड सर्व द समन्स। प्लेंटिव अपीयर होता है डेट पे और डिफेंडेंट नहीं आता, तो कोर्ट देखेगी क्या समन्स ड्यूली सर्व हुए थे। अगर हाँ, तो वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टे डिक्री ऑर्डर कर सकती है। और उसके बाद एक्स पार्टे का मतलब है कि इवन इफ नाउ द डिफेंडेंट इज नॉट कमिंग, द केस विल प्रोसीड फर्दर एंड इट विल बी प्रोसीडेड फर्दर अकॉर्डिंग टू द प्लीडिंग्स विच आर देयर बिफोर द कोर्ट एंड अकॉर्डिंगली द एविडेंसेज एंड एवरीथिंग विल बी टेकन इन टू कॉन्सिडरेशन। समन्स सर्व ही नहीं होंगे तो उस केस में क्या होगा, वो फ्रेश समन्स
लिए कहेगा और प्लेंटिफ को फर्दर उस पर कंप्लायंस करना पड़ेगा। मूविंग अहेड, अगर समन सर्व हो गए थे बट नॉट विद इन द ड्यू टाइम, दैट मीन्स कि अगर आज हमारी डेट है और समन कल सर्व हुए हैं या परसों सर्व हुए हैं, एंड डिपेंडेंट लिव्स आउट ऑफ द स्टेशन, आउट ऑफ द स्टेट, जिसकी वजह से उसके लिए पॉसिबल नहीं था टू कम टू द कोर्ट और अपियर इन द कोर्ट, तो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन कोर्ट जो है मैटर को एडजर्न कर देगा और न्यू डेट अपॉइंट कर देगा जिसमें दोनों को आना होगा। वेल, लेट्स गो टू द ऑपोजिट साइड, दैट मीन अब अगर सिर्फ डिपेंडेंट अपियर होता है तो उस केस में कोर्ट जो है सूट डिसमिस कर सकता है अनलेस एंड अंटिल डिपेंडेंट ने कोई क्लेम जो प्लेंटिफ का था उसको एडमिट नहीं किया है होली और इन पार्ट। अगर वो किसी क्लेम को इन पार्ट या एज अ होल एडमिट करेगा तो उस केस में उस पे आगे हियरिंग्स होंगी और उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट सुनाई जाएगी। इस केस में बार किया जाता है प्लेंटिफ को टू फाइल अ फ्रेश सूट। नाउ लेट सपोज दैट देयर इज नॉट वन प्लेंटिफ और वन डिफेंडेंट बट देयर एन टू और थ्री डिफेंडेंट्स एंड टू एंड थ्री प्लेंटिफ्स, तो उस केस में क्या होगा? वेल, अगर दो या तीन प्लेंटिफ है और उनमें से कोई प्लेंटिफ नहीं आता तो उस केस में द केस विल प्रोसीड फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर पार्टीज, इट विल प्रोसीड इन अ वे एज इफ ऑल द प्लेंटिफ्स वर प्रेजेंट। नाउ इन केस वन ऑफ द डिफेंडेंट्स डू नॉट अपियर तो उस केस में क्या होगा कि प्रोसीडिंग्स आगे कैरी ऑन की जाएगी, जो डिफेंडेंट नहीं आया था उसके अगेंस्ट भी एज द कोर्ट डीम फिट अपना डिसीजन सुनाया जाएगा। एंड अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट सपोज एक प्लेंटिफ है और तीन डिफेंडेंट है, जो डेट ऑफ हियरिंग फिक्स था उसमें सिर्फ डिफेंडेंट वन प्रेजेंट था, बाकी दोनों डिफेंडेंट्स और प्लेंटिफ एब्सेंट थे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वेल, रूल 8 हमें ये बोलता है कि अगर प्लेंटिफ एब्सेंट है और डिफेंडेंट प्रेजेंट है तो सूट डिसमिस हो सकता है। वेल, अब ये जो डिसमिसल है इसका इन पार्टीज पर क्या इफेक्ट होगा? क्या प्लेंटिफ वापस से सूट फाइल कर सकता है एज अ रिलीफ? तो उसके लिए हमें दो रूल्स देखने पड़ेंगे। विद रिस्पेक्ट टू D1 जो प्रेजेंट था एंड प्लेंटिफ, the plaintiff is barred to file a fresh suit on the same cause of action, क्योंकि ये present था और ये absent था। वहीं पे D2 और D3 को अगर हम देखें तो वहां पे हम Rule 9 apply नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों parties भी absent थी, तो यहाँ पे हम Rule 3 को consider करेंगे जिसमें both the parties were absent, तो उस केस में प्लेंटिफ के पास रिलीफ है कि वो या तो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है या फिर डिसमिसल के ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सो दिस इज हाउ वी डील विद अपीयरेंसेस एंड नॉन अपीयरेंसेस ऑफ पार्टीज विद रिस्पेक्ट टू अ सेम केस हैविंग एन नंबर ऑफ पार्टीज इन इट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, रमन वर्सेस अरुणाचलम AIR 1936। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर प्लेंटिफ अपने एब्सेंस को, अपने नॉन अपीयरेंस को जस्टिफाई कर सकता है तो उस केस में सूट को रीइंस्टॉल करना इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। किसी के अगेंस्ट अगर एक्स पार्टी डिक्री ऑर्डर होती है तो रूल 13 हमें बताता है कि हम उसको कैसे सेट असाइड कर सकते हैं। Well, there are certain circumstances which need to be taken into consideration. अगर defendant court को ये satisfy कर सकता है कि there were certain circumstances because of which he could not appear before the court, या फिर उसको summons ही serve नहीं हुए, तो उस case में court जो है ex parte decree को set aside करते हुए केस को रिस्टोर कर सकता है फ्रॉम द प्लेस जहां पे वो एक्स पार्टे डिक्री हो गया था, और डिफेंडेंट को मौका दे सकता है कि वो अपने केस को वापस से उस जगह से प्रेजेंट करे ताकि दोनों ही पार्टीज के साथ इनजस्टिस ना हो। वेल, इस
संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोटा 1955। इस केस में क्या हुआ कि डिफेंडेंट और उनके काउंसिल दोनों ही कंसेक्यूटिवली 3 डेट्स में अपीयर नहीं हुए। एज अ रिजल्ट उनके अगेंस्ट एक्स पार्टे डिग्री हो गई और जो केस है वो आगे प्रोसीड किया गया। ड्यूरिंग दोज 3 हियरिंग्स उसमें एविडेंसेस भी हो गए थे। सो ऑन द 4th हियरिंग द डिफेंडेंट अपीयर्ड एंड he requested the court for not only setting aside the ex parte decree but also giving them the chance to cross examine the plaintiff's witness. The supreme court observed that ex parte decree ka matlab ye nahi hai ki hum defendant ko bilkul hi restrict kar de to appear on any date of the hearing in future. Jaise hi next date aati hai या एडजर्नमेंट के बाद जो भी डेज आती है, हर डेट पे एक्स पार्टे के लिए आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर आपका डिफेंडेंट नहीं आता है तो दैट मींस यू आर सेंट बैक टू दिस ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी एवरी टाइम यू हैव अ डेट ऑफ हियरिंग। हमारी जो लॉ है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दैट नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। दैट मीन्स दोनों ही पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने केस को प्रेजेंट करें, अपने पक्ष को सामने रखें और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन होना चाहिए। बट अगर एक पार्टी अननेसेसरी डिले करती है तो दूसरी पार्टी उसका खामियाजा ना भुगते, ये भी जरूरी है। इसलिए हम एक्स पार्टी डिक्री प्रोनाउंस कर देते हैं। बट अगर डिफेंडेंट जस्टिफाई कर सकता है कोर्ट को उसके नॉन अपीयरेंस का, तो हम अननेसेसरी उसको पीनलाइज करने के लिए अपने सूट को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें उसको मौका देना पड़ेगा कि वो जस्टिफाई कर सके अपना रीजन फॉर द नॉन अपीयरेंस, और हम उसकी राइट टू डिफेंस को टेक अवे नहीं कर सकते अगर वो हमें जस्टिफाई कर देगा। बट रूल 14 हमें ये बताता है कि ऐसा करने के लिए हमें दूसरी पार्टी को नोटिस देना जरूरी है, ताकि दोनों ही पार्टीज हमें कोर्ट को ये बता सकें कि क्यों उसके एप्लीकेशन अलाउ हो या क्यों उसके एप्लीकेशन ना अलाउ हो, सो दैट बोथ द पार्टीज आर नॉट अननेसेसरी हरास्ड और दोनों ही पार्टीज को जस्टिस मिल सके, किसी को भी अनड्यू एडवांटेज ना होनी चाहिए। सो एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड कराने के लिए डिफेंडेंट के पास 3 रिलीफ है। सबसे पहले वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अंडर रूल 13 टू सेट असाइड द एक्स पार्टे डिक्री। उसके अलावा अगर वो चाहे तो ही कैन टेक द रिकॉर्स ऑफ अपील एंड रिविजन ऑल्सो, और ये तीनों ही रिलीफ वो साइमल्टेनियसली भी क्लेम कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट appearances and non-appearances of parties. I hope aapko samajh aaya ho. If you have any doubt, please put them below in the comment section and I'll see you soon in the next video. Bye-bye.